स्टार्ट हिंदी सब्जेक्ट ग्रामर चैप्टर वन भाषा बोली लिपि एवं व्याकरण। नेक्स्ट पेज भाषा बोली लिपि एवं व्याकरण। भाषा, इसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। मोहन ने कहा, क्या तुम जानते हो कि कल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है? सोहन, हाँ। मोहन ने कहा, मैं उस उत्सव में भाग ले रहा हूँ। सोहन ने कहा, अच्छा, तुम वहाँ क्या करोगे? मोहन ने कहा, मैं कविता पाठ करूँगा। सोहन, यदि मुझे पता होता तो मैं भी कुछ न कुछ तैयारी अवश्य करता। बच्चों, देखा आपने, मोहन और सोहन एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा सुनकर समझ सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसमें अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके भाव विचार जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। कभी कभी वह कुछ ध्वनि में कार्य करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की रचना मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों से होती है। चेहरे के हाथ हाव भाव, हंसकर, रोकर, आंखों, उंगलियों आदि से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति तो हो सकती है, पर वह भाषा नहीं कही जा सकती। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि हमें किसी को कुछ बात बतानी है तो हम उसको बोलकर या लिखकर वह बात बताते हैं। वैसे ही भाषा के रूप में भाषा के दो पार्ट्स किए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, आज विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुछ विद्यालय विद्यार्थियों ने मंच पर आकर भाषण दिया, जिसे वहां बैठे सभी छात्रों ने रुचि पूर्वक सुना। भाषा के इस रूप को ही मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी बोलना। नेक्स्ट पेज लिखित भाषा। इस चित्र में छात्र अपने भावों और विचारों को देखने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के रूप में रूप का महत्व। मानव सभ्यता के विकास एवं दूर दूर तक फैले हुए उसके रूप में परस्पर विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता ने ही लिखित भाषा को जन्म दिया है। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़े। लिखित भाषा की भाषा का स्थायी रूप है, जिससे हम अपने भावों और विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मौखिक व लिखित भाषा के रूपों में अंतर। किए दोनों में अंतर क्या है? भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है कि वह पुराणों से चली आ रही है। यही भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। बच्चा
आसपास के वातावरण से बिना प्रयास किए जो भाषा सीख सकता है वह भाषा का मौखिक रूप है, पर लिखित रूप से सीखने के लिए अभ्यास और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे हैं, जब वो नया नया बोलना सीखते हैं, तो उनके आसपास जो उनके पेरेंट्स हैं, भाई बहन, वो सब बातें बोलते हैं, वो सारे वर्ड्स वो बच्चा कैचअप कर लेता है। नहीं सीखता, फिर उसको लिखना सीखने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं। इसीलिए भाषा का मौखिक रूप आसानी से बदलता रहता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। कि मौखिक जो हमारी बोली है वह बदलती रहती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, बंगाल में बांग्ला बोलते हैं, है ना? वैसे और लिखित स्थाई यानी जो लेखक है वो तो स्थाई रहता है, उसमें कुछ चेंजेस होता नहीं है। बोली, भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां हैं। जैसे कि मैंने कहा, बोलियां प्रचलित है, उनमें से प्रमुख है हरियाणवी, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि। अर्थात हम कह सकते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। क्या कहा है? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा का स्थाई रूप बोली कहलाता है। उपवास व भाषा, बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती है। जब एक साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है, भाषा बन जाती है। जैसे तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का दर्जा दिलाया। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 5 पार्ट्स। उनकी अलग अलग बोलियां हैं। पार्ट 1 पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बदेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। तीसरी बिहारी हिंदी यानी भोजपुरी, मैथिली और मगही। चौथी पहाड़ी हिंदी यानी गढ़वाली और कुमाऊनी। पांचवी राजस्थानी हिंदी यानी मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। नेक्स्ट पेज। लिपि, उच्चारित ध्वनि संकेतों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। लिपि चिन्हों की पूरी व्यवस्था लिपि है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। और लिपि, यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टिक दिख रहा है उसमें पहला है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। इन चारों की लिपि है देवनागरी लिपि। दूसरी है पंजाबी,
उसकी गुरुमुखी है, तीसरी उर्दू है जिसकी फारसी है, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की रोमन लिपियां हैं, जापान की जापानी लिपि है, अरबी की अरबी और फारसी की फारसी है। नोट, फारसी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है, ये आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। व्याकरण, किसी ने कहा बालक पुस्तक पढ़ती है, यह वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुरूप नहीं है, उल्टा सुल्टा सा लगता है ना। सो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, बालक पुस्तक पढ़ता है। शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग, सी दिस टेबल। व्याकरण के अंग, फर्स्ट ध्वनि विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड पद विचार एंड फोर्थ वाक्य विचार। फर्स्ट ध्वनि विचार, इसमें ध्वनियों के भेद, उच्चारण, लेखन व शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर व रचना पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें पद भेद, पद बंध पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतर व विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है। इन सभी के विषय में आगे के अध्यायों में विस्तार से विचार किया जाएगा। कि यहाँ पे जो भी आपको माहिती दी गई है उसको आपको याद रखना है। थैंक यू। दूसरा, शब्द पर वाक्य में उत्तर। शब्द यानी वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है, जैसे आम, मोहन, पुस्तक आदि। पद यानी जब पद शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसे पद कहते हैं, जैसे भूखे बालक को भोजन दो। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द वाक्य में आने के कारण पद है। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में समर्थ है, वाक्य कहलाता है। जैसे रवि विद्यालय जाते जाता है। हिंदी भाषा का महत्व, हम बोलते हैं वैसे ही लिखना होता है। अपनी इस प्रकृति के कारण इसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए आज यह केवल समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती है। आज विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार यानी एक्सेप्ट किया है और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया है, यानी 1949 में। हिंदी के विविध रूप, राजभाषा, किसी भी देश के राज काज की भाषा राजभाषा कहलाती है, कि कामकाज के लिए जो भाषा जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को भी संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है,
भारत में अनेक राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जिसे देश राष्ट्र के अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार और कार्यालय हिंदी संपर्क भाषा। संपूर्ण भारत के विभिन्न कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्रों, कार्यालयों में, पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के बढ़ते प्रयोग ने इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की है। यही कारण है कि अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी पत्र ही भेजे जाते हैं। मतलब जहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ भी हिंदी में ही पत्र यानी लेटर्स भेजे जाते हैं, जो नोटिस भेजे वह सरल के लिए उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाता है। पर कार्यालय हिंदी बोलचाल की भाषा से अलग होती है, इसके लिए तकनीकी शब्दों को जानना अनिवार्य है कि जो कार्यालय के लिए जो हिंदी बोली जाती है वो थोड़ी अलग है। थैंक यू।